जानती हूँ कि तुम यही सोच रहे हो क्या इस बार भी तुम ठुकराए जाओगे क्या इस बार भी तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी आखिर वो कौन से खुश नसीब लोग होते हैं जिनके लिए अल्लाह अपने कन फ़ैकून के मौज से लिखता है तुम थोड़ी सी दिक्कत को डूबना समझते हो लेकिन तुम डूबते तब नहीं हो जब तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती बल्कि तुम डूबते तब हो जब तुम्हारे हौसले पास्त होने लगते हैं जो जवाल तो ज़िंदगी का हिस्सा है यह तो कुछ वक्त की आजमाइश होती है होता तो वही है ना जो तुम्हारी दुआओं में होता है क्या तुमने नहीं सुना तुम्हारा रब कुरान पाक में ख़ुद तुमसे कह रहा है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा सुनो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही बल्कि जान लो तुम्हारी दुआएं तो अर्श पर पहुंच चुकी हैं ये तो बस अल्लाह के एवे कुन की बात है जब तुम्हारे हक में बेहतर होगा उसने कुन कहना है और फयाकून के मौज से हो जाने हैं और अगर आज तुम लोग कुछ निशानियां तलाश कर रहे हो जिनसे तुम जान सको तुम्हारे लिए कन फ़क़ून के मौज से होने वाले हैं तो सुनो मेरा अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है अपने रब को पुकारो गिड़गड़ाते हुए और चुपके चुपके से और वो तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे तुम्हारे लिए बिल्कुल कन फ़ून की सबसे बड़ी निशानी यही है कि जब तुम अपने दुख सिर्फ़ अल्लाह को बताते हो अपनी सारी बातें सिर्फ़ उसी से शेयर करते हो तुम अल्लाह को अपने हर दुख सुख के लिए काफ़ी समझने लगते हो तुम जानते हो कि सारे फैसले उसी के दर से आते हैं और वो जब चाहे जिसका चाहे तकदीर बदल दे, हालात बदल दे, जैसे जैसे तुम्हारा अल्लाह पर यकीन बुलंद होता जाता है ना वैसे वैसे तुम्हारे लिए मौजसू की राय हमवार होती जाती हैं वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का इसे ठोकर पे रखना है इसे असवद बनाना है सुनो वो जिसको चाहता है अपनी जाने मोड़ लेता है चुपचाप और किसी को ख़बर भी नहीं होती बस फिर वो एक हुक्म देता है और उसकी सारी ताकतें मुतहिद हो जाती हैं कौन उसके गिर तवाफ करने लगता है और सारी बातें फायकून पे ख़त्म हो जाती हैं और यूँ सभी की कहानियाँ मुकम्मल होती हैं तुम्हारे लिए कौन फायकून की दूसरी निशानी तो ये है जब तुम हर हाल में अपने अल्लाह से मदद तलब करते हो तुम अपने यकीन और तवक्कुल की ताकत को बुलंद करके अपने रब से उम्मीद नहीं बल्कि अपने रब पर यकीन रखते हो तो तब तुम्हारे लिए जहाँ मुमकिन की नफी नहीं की जा सकती वहाँ कुन का हुक्म नाफिस हो जाता है और तुम्हारी दुआओं की खूबसूरती भी यही है कि वो हमेशा इस हकीकत की गवाही देती हैं कि खुदा कुन फरमाता है यह भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी चाहत बस एक कदम के फासले पर हो और इसी रमज़ान तुम्हारे लिए कुन के फैसले होने वाले हों हो सकता है ना कि जब तुम उस मुकद्दस महीने में तहज्जुद का सजदा अदा करते हो वही सजदा तुम्हें कुन से फयकून तक ले जाए अशफाक अहमद क्या खूब लिखते हैं कि जब आँखों से सजदे बहने लगे तो कबूलियत के समंदर में हलचल ज़रूर होती है याद रखो रास्ते भले हों या मुश्किल लेकिन मंजिलें ज़रूर आती हैं और जब तुम अपने रास्ते को दुआओं की ताकत से सजाते हो ना तो अल्लाह ताला तुम्हारी मंजिलों को तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक संवार कर तुम्हें खुश कर देता है मुतमईन हो जाओ क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सबिर का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है तुम्हारे आंसू खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और आसमान से तुम्हारे लिए कुन फ़यकून के मौज से उतरने वाले हैं इन व्यूवर्स अगर वीडियो पसंद है तो मुझे लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जजाकल्ला